पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के तहत जिला कोऑर्डिनेटर द्वारा महिला व पुरुष अध्यापकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें जिला कोऑर्डिनेटर के मोबाइल से कुछ अश्लील वीडियो सेंड हो गई। हालांकि कुछ देर बाद इन्हें डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विभाग की शिकायत निवारण कमेटी की ओर से दोनों पक्षों के बयान तो कलमबद्ध किए गए हैं, लेकिन महिला अध्यापकों का कहना है कि गलती करने वाले पर कार्रवाई होनी जरूरी है, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना कर सके। वहीं इस बारे में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की अध्यक्ष माया देवी ने बताया कि उनके ध्यान में ये मामला आया था, इसलिए दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। इस बारे में जिला कोऑर्डिनेटर विशाल मिनास ने बताया कि चंडीगढ़ में पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब की मीटिंग थी, जिसके चलते 40 से 50 सदस्यों के साथ चंडीगढ़ जा रहे थे और जिस समय वीडियो भेजे गए उस समय वे रास्ते में रुककर खाना खा रहे थे और उन्हें अपने लैपटॉप और मोबाइल वहाँ चार्जिंग के लिए लगा रखा था। इस बीच उन्हें नहीं पता कि उनके मोबाइल से वीडियोस ग्रुप में कैसे सेंड कर दिए गए। उन्होंने इसके लिए सभी से माफ़ी भी मांगी। डीओ दफ्तर गुरदासपुर के एकत्र हुए थे, सानू अज बयान देने लिए इतने बुलाया गया। मैं तुहानू दसना चाहवागा कि पिछले दिन ही साडा एक सैमीनार पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब टीम वालों लगाया गया और उस ग्रुप के सैमीनार लगाने तो बाद इस टीम ने एक ग्रुप बनाया गया जिदे लगभग 40-45 के करीब टीचर शामिल सी, जिदे बहुती गिनती जिहड़ी आ उह महिला अध्यापकों की सी, लगभग 30-35 के करीब। 9 तरीक नूं जदों असीं स्कूले पढ़ा रहे सीगे ते करीब 9:29 ते इस ग्रुप विच एक मैसेज आया और यह भी मैं दसना चाहवागा कि यह ग्रुप एक ऑफिशियल ग्रुप आ, जदों भी कोई मैसेज आता तो तकरीबन हर टीचर इनू पढ़ता, क्योंकि पढ़ो पंजाब जिहड़ा प्रोजैक्ट चल रहा वो मैसेज सानू डेली आते आ, उन्हां मैसेजां दे अकॉर्डिंग असी गतिविधियां करवाउणियां हुंदियां। उस दिन जदों 9:29 ते इस ग्रुप दे विच मैसेज आया, लगभग सारे टीचर ने वो मैसेज देखा पर वो इन्ना क शर्मनाक सीगा, वो कर रहा कि सानू दसदियां भी शर्म आउंदी आ कि उस ग्रुप दे विच जिहड़ा साडा डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर आ पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब टीम दा एक बहुत अहम अहदे ते जिम्मेवार अहदे ते वो काम कर रहा विशाल मिनास, उस वल्लों इस ग्रुप दे विच मैसेज पाए गए लगभग 16-17 के करीब और वो सारे दे सारे अश्लील वीडियोज़ और फोटो सीगियां जिन्हां नूं साडियां महिला अध्यापकां ने भी और असीं भी देखिया और उन्हूं देख के असीं अपने आप नूं इन्ना शर्मसार महसूस किया। लगभग साडियां काफ़ी अध्यापकावां उस वेले ग्रुप नूं डिलीट कर दियां छड गईआं ग्रुप नूं, कि यह जिहड़ी घटनाक्रम होया इहदे विच जिन्ने भी साथी साडे जिहड़े टीचर सीगे उह साथी जिहड़े उहदे विच शामिल सीगे उह अपने बयान देण। असीं लगभग जिन्ने अज्ज अध्यापक आए आ उन्होंने लिख के दे दिता अपना बयान, उहदे विच स्पष्ट लिखिया गया कि जो कुछ भी ये घटना वापरी आ अश्लील वीडियोज़ पईआं वो जो कुछ भी घटना हुई है लिख के दे दित्ती आ और असीं मंग भी कीती आ कि इस शख्स के उपर इन्ने जिम्मेवार अहदे ते बैठण दे बावजूद जिन्ने ये काम किया ये तो बनती विभागी कर रही। गुरदासपुर ज़िले 8 तरीक तो पहले जिला कोआर्डीनेटर और मैं जिले की आलमोस्ट सारे फीमेल फैकल्टी मैंबर नाल फोन ते इन टच है, मीनस मेरा मोबाइल नाल उन्हां दा ग्रुप हैगा, 100+ ज़्यादा मेरे मोबाइल ग्रुप हैगे और उस जदों आप फोन और लैपटॉप चार्जिंग लगाया प्लस वो या जिसले आप चाह पीन लगे गड्डी च फोन रहा चार्जिंग तो उस टाइम ड्यूरेशन हुई है, वो उस टाइम ड्यूरेशन की गल हो रही है जिस टाइम ड्यूरेशन से असी खाना वगैरह खा रहे थे। उस टाइम मेरे को जिले के सर किसी बारे मैं नहीं कुछ भी कह सकता, उस टाइम जिले के मेरे सारी की सारी टीम उत्थे सी, ईवन दो BPOs DPDOs सारे उत्थे ही खाना खा के उठे है, तुसीं किसी नूं भी पुछ सकते हो कि असी सारे इकट्ठे ही उत्थे खाना करदे हैं। सिर्फ चाह पीन की ड्यूरेशन अपना 10 मिनट बाहर ही आन के खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे साथी पिछले जिन्ने भी खड़े है सारे उत्थे ही खाना करदा, अपना इकट्ठे ही खाना करदे हैं। तुहाडा कहना मतलब किसी ने तुहाडा फोन फड़ के तो वीडियो शेयर करता है, इहदे बारे कोई सर नहीं पता लगा कि किसी ने हैक किया है या किसी ने मिसयूज़ किया है या मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, इहदे बारे कुछ नहीं किया है। अगर फिर भी क्योंकि टैक्निकली हो सकता मेरे फोन नंबर है क्योंकि उत्थे डिस्प्ले हो रहा, अगर फिर भी ये भी किसी फीमेल फैकल्टी मैंबर को लगता है कि यह होया वा या उन्होंने छवि खराब हुई है या उन्होंने मानसिक आघात कोई पहुँचाया है तो ओली मैं तहे दिलों उन्हों का माफ़ी का हकदार हाँ उन्होंने वालों कि मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। प्रेजिडेंट है मैं सैक्सुअल हरासमेंट कमेटी की, तो अज उन्होंने जिला कोआर्डीनेटर पढ़ो पंजाब बुलाया गया कि उन्होंने एक वीडियो वायरल की अश्लील वीडियो पाई गई थी
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਐਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਨਹਾਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਲ। ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।